सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट ग्रेड भर्ती के एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण न्यूज़ शुरू करें उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बताते हैं क्या है संपूर्ण न्यूज़। दो बार स्थगित हो चुकी व्याख्याता भर्ती में चुनाव से फिर फंसेगा पेच। दो बार स्थगित हो चुकी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 पर एक बार फिर चुनाव का पेच फंस सकता है। अगले साल जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। अगले साल जनवरी फरवरी में है जो पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में जनवरी में होने वाले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक दिन पहले इस परीक्षा की तिथियाँ घोषित की हैं। परीक्षा 3 से 13 जनवरी 2020 तक होनी है। 10 महीनों में दो बार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्थगित तो हो चुकी है। पहली बार 20 चुनाव और दूसरी बार MBC और EWS आरक्षण के चलते परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। तो रही बात पंचायत चुनाव की, तो ये सरकार को ही पता है कि पंचायत चुनाव जनवरी में है और उस टाइम भर्ती कैसे संभव होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जानते हुए भी सरकार ने ये कैलेंडर जारी किया है, तो क्या ये कोई चुनाव संबंधी फ़ायदा लेने के लिए किया गया है, इससे संबंधी आप अपनी जो कमेंट हैं वो डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या विचार है, क्या ये एक चुनावी स्टंट है सरकार का जनवरी में भर्ती की तारीख घोषित करना। आगे देखिए क्या है इसमें। अब पंचायत चुनाव के चलते परीक्षा के लिए फिर संकट खड़ा हो गया। RPSC ने जनवरी में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर उन अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है जो पहले से ही तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी के शिक्षक पद पर कार्य रहते हैं। BLO के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को भी इससे और अधिक परेशानी हो सकती है। संदीप कलवा एडवोकेट का कहना है कि आयोग को तिथि घोषित करते समय पंचायत चुनाव का भी ध्यान रखना चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो तिथि घोषित करती है उनको पता नहीं है पंचायत चुनाव क्या होते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी आपका क्या विचार है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये भर्ती क्या सही समय पे जनवरी में होगी या नहीं होगी, अगर चुनाव होते हैं तो संभव है या नहीं है ये भर्ती करवाई जानी, क्योंकि अधिकांश स्टाफ ये कर्मचारी हैं जो चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं उस टाइम। और एक ये थे डेढ़ साल पहले जो ये भर्ती निकाली थी, अप्रैल 2018 में निकाली थी भर्ती। आयोग ने डेढ़ साल पहले मई 2018 में इस भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 5000 पदों पर भर्ती होनी थी। इस भर्ती की परीक्षा तिथि पर दो बार संकट खड़ा हो चुका है। पहली बार भर्ती परीक्षा तिथि 15 से 23 जनवरी 2019 तक घोषित की गई, लेकिन इससे पहले प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। ये 2019 में 15 से 23 जनवरी को ये भर्ती की तारीख घोषित की गई थी, तब विधानसभा चुनाव थे और उसके बाद में ये इसको रद्द करना पड़ा था। अब आगे क्या होता है ये देखिए। धन्यवाद।